एक छोटे से द्वीप राष्ट्र में लोग चीन के भ्रष्ट प्रभाव से नाराज हैं और वे प्रधानमंत्री से पद छोड़ने की मांग कर रहे हैं चाइना अनसेंसर्ड में आपका स्वागत है मैं क्रिस चैपल पैसिफिक आइलैंडर्स एक लड़ाई की अग्रिम पंक्ति में है क्योंकि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक प्रभाव और भारी मात्रा में धन का उपयोग करके धीरे धीरे अपने देशों पर कब्जा करने की कोशिश करती है पिछले हफ्ते सोलोमन द्वीप समूह में युद्ध छिड़ गया जो यहाँ है अधिक विशेष रूप से राजधानी होनियारा में जो यहाँ है यह ग्वाडल कैनाल द्वीप पर है और अगर ग्वाडल कैनाल परिचित लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि यही वह जगह है जहां आखिरी विस्तारवादी एशियाई शक्ति से लड़ना पड़ा था प्रधानमंत्री के पद छोड़ने की मांग को लेकर बुधवार को नागरिकों ने सड़कों पर प्रदर्शन किया मुझे पता है ये बहुत सारे प्रदर्शनकारियों की तरह नहीं दिखता है केवल लगभग वन थाउजेंड लोग थे लेकिन ध्यान रहे क्वींस में मेरे पड़ोस की तुलना में पूरे देश में कम लोग हैं बुधवार और गुरुवार को कुछ प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय चाइना टाउन में लूटपाट शुरू कर दी यहाँ वे चीनी दूतावास के गेट पर लगा रहे हैं अब अच्छी खबर यह है कि पश्चिमी प्रेस इसे कवर कर रहे हैं बुरी खबर यह यह है है कि उनका कवरेज निशान निशान से दूर है। यह हतरनाक रूप से निशान से दूर खतरनाक रूप दूर है रॉयटर्स ने इसे फ्रेम किया क्योंकि प्रदर्शनकारियों को जलाने और लूटने से रोकने के लिए पुलिस को आंसू गैस छोड़नी पड़ी गार्जियन ऐसा लगता है जैसे प्रदर्शनकारियों ने संसद भवन को जला दिया जो उन्होंने नहीं किया वास्तविक लेख स्पष्ट करता है कि प्रदर्शनकारियों ने केवल कथित रूप से संसद भवन के बगल में एक पत्ती की झोपड़ी में आग लगा दी जहां सांसद और कर्मचारी धूम्रपान करने और दोपहर का भोजन करने जाते हैं अरे नहीं एक पत्ते की झोपड़ी जल गई सांसद अब कहा खाना खाएंगे कम से कम वे अभी भी वहां धूम्रपान कर सकते हैं जाहिर है मैं आग जलाने की निंदा नहीं करता जब तक आप चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के बट के नीचे रोशनी नहीं कर रहे हैं और वैसे भी एक स्थानीय पत्रकार ने एबीसी ऑस्ट्रेलिया को बताया यह पुलिस की आंसू गैस थी जिसने आग लगा दी लेकिन इस मुद्दे की जड़ यह है कि सोलोमन द्वीप सरकार लोगों की नहीं सुन रही है और बड़ी संख्या में लोग वास्तव में सरकार से नाराज है विशेष रूप से प्रधानमंत्री मनशे सुगावरे चीनी शासन के साथ अपने स्पष्ट सौदों के कारण औसत नागरिकों के बीच गहराई से अलोकप्रिय है ट्वेंटी में चीन ने प्रधानमंत्री को एक प्रस्ताव दिया यदि आप ताइवान के साथ संबंध तोड़ते हैं और चीन के प्रति निष्ठा बदलते हैं तो हम आपको डॉलर वन हंड्रेड मिलियन का ऋण देंगे जो उसने किया राजनयिक संबंधों को चीन में स्थानांतरित करने का निर्णय जिसे स्थानीय रूप से वचे रूप में जाना जाता है अलोकप्रिय बना हुआ है और आरोप में फंस गया है कि भ्रष्ट प्रभाव ने निर्णय को आकार देने में मदद की मेरा मतलब है कौन 100 मिलियन डॉलर टुकरा सकता है में में ऋण के रूप में। जिसे आप चुकाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं जिससे आप हमेशा के लिए एक क्रूर सत्तावादी शासन के कर्ज में डूब जाते हैं यह मेरे लिए एक अच्छे सौदे जैसा लगता है और ये सिर्फ इतना ही नहीं है स्विच के बाद से चीनी कंपनियों और श्रमिकों ने सोलोमन में डाल दिया है जहां आवश्यक हो नकदी फैला रहे हैं प्रभाव खरीद रहे हैं स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को विकृत कर रहे हैं और अधिक सत्तावादी दृष्टिकोण ला रहे हैं चीन साथ ही मलेशिया और फिलीपींस की कंपनियों को सोलोमन द्वीप समूह में महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों का नियंत्रण दिया गया है और वे लॉगिंग और खनन कर रहे हैं और इस साल की शुरुआत में एक चीनी राज्य के स्वामित्व वाली कंपनी को 2023 प्रशांत खेलों के लिए डॉलर फिफ्टी मिलियन स्टेडियम बनाने के लिए एक विशेष अनुबंध दिया गया था और अनुमान लगाए की उन सभी निर्माण कार्यो के लिए किसे काम पर रखा जा रहा है यह आपको चौंका सकता है लेकिन यह सोलोमन आयर्स नहीं है यह चीनी कर्मचारी है न केवल चीनी कामगारों को नौकरियां जा रही है बल्कि चीनी कंपनियों को राजनेताओं तक शीर्ष स्तर की पहुंच मिल रही है जबकि स्थानीय लोगों की संसद में बहुत कम आवाज है और सीसीपी के भ्रष्ट प्रभाव पर गुस्सा मलायता प्रांत से बड़ा कहीं नहीं है मैं ब्रेक के बाद समझाऊंगा वापसी पर स्वागत है सुलोमन द्वीप में मलायता प्रांत में एक बड़ा बवाल हुआ है जो यहाँ है यह मलाइता प्रांत के प्रधानमंत्री डेनियल सुदानी हैं। हमने उसे जुलाई में अपने शो में वापस किया था वह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ सोलोमन सोलोम की साझेदारी के खिलाफ बोलने वाले दुर्लभ राजनेताओं में से एक रहे हैं और उनके साथ मेरी बातचीत के आधार पर वह उन समस्याओं के बारे में विशेष रूप से स्पष्ट दिखते हैं जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ काम करने से उत्पन्न होती है 2019 में उनकी सरकार ने की विज्ञप्ति जारी की यह चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े निवेशकों को कोई नया व्यापार लाइसेंस नहीं देने का आह्वान करता है इसका एक कारण यह है मलायता प्रांतीय सरकार धर्म की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार के रूप में स्वीकार करती है और ईश्वर में निहित ईसाई धर्म और विश्वास को आगे देखती है और इसलिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी और उसके नास्तिक विचारधारा पर आधारित औपचारिक प्रणालिया वह विशेष रूप से पुलिस राज्य के विचार को भी खारिज करता है इस तरह के विचारों ने सुदानी को अपने लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया है लेकिन सोलोमन द्वीप के प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के बीच बिल्कुल भी लोकप्रिय नहीं है पिछले महीने केंद्र सरकार के संदिग्ध रूप से अच्छी तरह से वित्त पोषित प्रॉक्सी ने अविश्वास प्रस्ताव के साथ सुदानी को बाहर करने की कोशिश की मलायता प्रांत के लोगों ने उनका समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतर आए और उन्हें अविश्वास प्रस्ताव वापस लेने के लिए मजबूर किया वाह एक राजनेता को लोग वास्तव में इतना पसंद करते हैं वे उसे समर्थन करने के लिए सड़कों पर मार्च करते हैं हम वास्तव में सबसे अजीब समय रेखा में रह रहे हैं वह अक्टूबर के अंत में था फिर नवंबर में शायद ऊंट की कमर तोड़ने वाला तिनका मलायता प्रांत में एक सुलह समारोह था जिसे केंद्र सरकार के सांसदों को दिखाना था वे दिखाई नहीं दिए मतलब उन्होंने नागरिकों को दिखाया कि उनके द्वारा बनाई गई समस्याओं को हल करने में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है मलायता प्रांत और राजधानी के बीच लंबे समय से तनाव है न कि केवल चीन के कारण लेकिन चीन का मुद्दा सिर्फ एक प्रांत से बड़ा है क्योंकि जहां मलायता में लोग निश्चित रूप से स्विच और चीन से संबंधित विभिन्न व्यापारिक अनुबंधों से परेशान है वही उन चिंताओं को पूरे सोलोमन द्वीप के लोगों द्वारा भी साझा किया जाता है तो बहुत से लोग लंबे समय से प्रधानमंत्री और सरकार पर नाराज है वास्तव में जैसा कि कुछ सप्ताह पहले एक नेता ने चेतावनी दी थी यह आसानी से हिंसा में पड़ सकता है और यह मेरी बड़ी चिंता है भावनाएं इतनी ऊंची हैं कि यह चिंगारी लग सकती है मैं बस उम्मीद कर रहा हूं कि कि ज्ञान आए और नेता देखें कि वे इस पर एक मरे हुए घोड़े को कोड़े नहीं मार सकते खैर नेताओं ने मरे हुए घोड़े को कूड़े मारने का फैसला किया और यह इसमें बदल गया और जब सरकार ने सुनने से इनकार कर दिया तो विरोध का एक हिस्सा अवसरवादी लूटपाट में बदल गया खासकर चाइना टाउन में तो अब आगे क्या खैर पहले पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और रबर की गोलियां चलाई ने कर्फ्यू लगा दिया और यह जल्द ही संभव है कि सरकार सबसे प्रभावी तरीके से लोगों को विरोध करने से रोकने की कोशिश करेगी कदम पीछे हटकर लोगों की बात सुनकर हाँ हाँ बस मजाक कर रहे हैं शांति रक्षक सैनिकों को भेजकर और पश्चिमी मीडिया कवरेज के लिए धन्यवाद जो प्रदर्शनकारियों को खतरनाक और हिंसक के रूप में फ्रेम करता है भ्रष्ट सरकार के पास अब सही बहाना है साइड नोट अधिकांश पश्चिमी मीडिया कवरेज चीनी राज्य द्वारा संचालित मीडिया कवरेज के समान है जो हिंसा और अराजकता को रोकने में सोलोमन द्वीप सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है एक चिंता यह रही है कि सरकार बीजिंग को सेना भेजने के लिए कहेगी यह अभूतपूर्व होगा लेकिन निश्चित रूप से कुछ ऐसा जो चीनी शासन करना पसंद करेगा वास्तव में यह कुछ ऐसा है जिसे वे सचमुच करने की तैयारी कर रहे हैं यह अब तक का सबसे अच्छा क्रिसमस उपहार होगा लेकिन इसके बजाय कम से कम अब तक सोलोमन द्वीप सरकार ने जो किया वह उनके मित्र ऑस्ट्रेलिया को बुलाता था जिसने तुरंत कहा कि वे 100 से अधिक सैनिकों को भेजेंगे जो केवल 1000 प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए ओवरकिल की तरह लगता है जिनमें से कुछ लूट रहे थे लेकिन वास्तव में हिंसा का उपयोग नहीं कर रहे थे लेकिन ओवरकिल वही है जो सोलोमन द्वीप सरकार इन दिनों सबसे अच्छा कर रही है अब ऑस्ट्रेलियाई मदद मांगना अभूतपूर्व नहीं है ट्वेंटी और थ्री से ट्वेंटी सेवेंटीन तक ऑस्ट्रेलिया ने अशांति को शांत करने के लिए सोलोमन द्वीप में शांति सैनिकों को तैनात किया था लेकिन अब संदर्भ यह है कि ऑस्ट्रेलिया चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से गहरे संबंधों वाले एक समझौता प्रधानमंत्री की रक्षा के लिए सैनिकों को भेज रहा है आपको क्या लगता है कि यह सोलोमन आइलैंडर्स को कैसा लगता है जो इस तरह के भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ऑस्ट्रेलियाई सेना प्रधानमंत्री की तत्काल समस्या का समाधान कर सकती है लेकिन क्या वह वास्तव में तरह मुद्दों को हल करने की दिशा में काम करेंगे या बस उस मरे हुए घोड़े को कूड़े मारते रहो और अब मेरे लिए एक ऐसे प्रशंसक के प्रश्न का उत्तर देने का समय है जो क्राउड फंडिंग वेबसाइट या सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म लोकल्स के माध्यम से चाइना अनसेंसर्ट का समर्थन करता है पैट्रियन पर शेम्स की पूछते हैं अन्य चीन के यूट्यूबर्स ने उल्लेख किया है कि सीसीपी ने उन्हें भुगतान करने चुप रहने या चीनी प्रचार फैलाने की कोशिश की है क्या आपसे क्रिस कभी इस तरह के प्रस्तावों के लिए संपर्क किया गया है मेरा मतलब है स्पष्ट रूप से वे बहुत दूर नहीं गए बस सोच रहे थे कि क्या उन्होंने कोशिश की की सवाल हाँ चीनी एजेंट वास्तव में अन्य यूट्यूबर्स तक पहुंच गए हैं उदाहरण के लिए मेरा दोस्त सी मिल्क लाव ही एक्स से उन्होंने उनका प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया चीनी एजेंटों ने भी अन्य यूट्यूबर्स तक पहुंचने की बहुत संभावना है जिन्होंने उनके प्रस्तावों को स्वीकार किया लेकिन यह जानना मुश्किल है मैं नामों का नाम नहीं लेना चाहता लेकिन ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिन्हें चीनी राज्य द्वारा संचालित कार्यक्रमों में आमंत्रित किया गया है और जैसा कि बीबीसी रिपोर्ट करता है इस व्यक्ति के वीडियो में में से एक वह टिप्पणी करता है कि राज्य के स्वामित्व चाइना रेडियो इंटरनेशनल जैसे संगठन पर न उड़ानों और आवास के बदले में भुगतान करने की पेशकश करेंगे राज्य मीडिया में उनकी यात्रा पर टिप्पणी करते हुए कहा जा रहा है मेरे पास कुछ निराशाजनक खबर है शेमिंग्स की चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ने कभी मुझसे संपर्क नहीं किया कभी नहीं क्या उन्हें लगता है कि मैं चीनी शासन को बेचने के लिए पर्याप्त नहीं हूँ? मेरा मतलब है कैसे कम्युनिस्ट पार्टी सुलुमन द्वीप को डॉलर 100 मिलियन डॉलर की पेशकश करती है लेकिन मुझे झिलजियांग की मुफ्त यात्रा की भी पेशकश नहीं करती है दुनिया एक अनुचित जगह है लेकिन कम से कम मेरे पास तुम हो आपने और चीन के अन्य सदस्यों ने बिना सेंसर वाली 50 सेंट सेना वे प्रशंसक हैं जो पेट्रो या स्थानीय लोगों के माध्यम से हमारे काम का समर्थन करते हैं और यह आप जैसे प्रशंसक हैं जो वास्तव में हमारे शो के विशाल बहुमत को वृत्त पोषित कर रहे हैं वास्तव में आपके चल रहे समर्थन की सराहना करता हूँ देखने के लिए धन्यवाद